बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, वो आप देख ही रहे होंगे। एक आपको मशीन सी नज़र आ रही है, तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस मशीन का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, और आप इसको काफ़ी देर तक भी आप यानी कि आप रख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। और ये जी तो ये वैसे तो ये मशीनरी चाइना की है, और इसकी प्राइस मैंने भी ये यहाँ से नहीं ली, पाकिस्तान से नहीं ली। तकरीबन मैंने 1 ईयर होने वाला है, मैंने ये इंग्लैंड से मंगवाई थी। तो मैं तब से ही इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी है, और मैंने सोचा कि ये मैं आज आपके साथ भी शेयर करूँ ये किस तरह आपको इसका इस्तेमाल करना है। मेरी एक दो फ्रेंड ने भी ये ली, और उनको इसका इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे कि किस तरह इस्तेमाल करना है। वैसे भी आजकल कोरोना का सिस्टम है, हम पार्लर से फेशियल करवाने से भी डरते हैं। तो आपको पता ही है कि सब लोग डर रहे हैं कि हम पार्लर से फेशियल कैसे करवाएं। तो इसका आसान हल है कि हम घर पर ये फेशियल कर सकते हैं, किसी का हैंड अपने फेस पर लगाए बगैर। तो आपको इसका इस्तेमाल अब बताती हूँ ये किस तरह आपने करना है। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। ये देखें, मेरे पास ये 1 ईयर होने वाला है, और ये मशीन मैं तब से ही यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे, कस्टमर में मैं यूज़ नहीं करती। आपने इसको सबसे पहले इस तरह खोलना है। इसमें आपको ये याद रखें ये कि आपने ये कभी भी इसकी ये बैटरी, मतलब कि ये जो हमें ये चीज़ मिलती है, इसको हम सेल बोलते हैं, ये कभी भी इसके अंदर नहीं रखने। जब भी आपने यूज़ करनी है, इन सेल को आपने निकाल देना है। तो जब आपने यूज़ करना है, तब आप ये सेल अटैच करें। इस तरह आपने ये सेल अटैच करना है। जी ये देखें, ये मैंने सेल अटैच कर दी है। तो अब इसको हम बंद करते हैं। जी तो सेल हमने लगा दिए हैं। अब ये आपको ऑन ऑफ वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसमें ऑन ऑफ और हाई एंड लो स्पीड है। ये अभी मैंने ऑफ़ किया हुआ है, तो ये देखें ये ऑन हो गया, ये लो स्पीड है। अब हम इसको हाई स्पीड में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फिर से ऑफ़ कर दिया। सबसे पहले हम ये ब्रश लगाएंगे, ये यानी कि हम फेस को वॉश करने के लिए। बड़ा ये सॉफ्ट सा ब्रश है, और ये देखें ये आसानी से ये लग जाता है। ये हम लगाएंगे और इससे हम अपना फेस वॉश कर लेंगे। और मतलब इस तो जब ये वॉश हो गया, फिर इसको उतार दिया। तो दूसरे नंबर पे हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये पॉलिश करता है हमारी स्किन को। तो आप किसी किस्म का भी अपने फेस पे फेस यानी कि ये लगा लें, बता के आप इसको 2 से 3 मिनट आप इससे पॉलिश करें। तो ये भी लगाना बहुत ही आसान है, ये देखें ये लग गया। तो इसी तरह ये जिस तरह ही आराम से ये लगता है, उसी तरह ये आराम से उतर जाता है। जी तो ये आप देख रहे हैं, ये तीसरे नंबर पे ये देखें, ये जो डॉट्स से बने हुए हैं, ये बॉल से, ये हमारे स्किन को पे लगाने से ब्लड सर्कुलेशन हमारी इससे तेज़ होती है। और हम इसको ये देखें इसी तरह लगाएंगे, और आप ये देखें, ये देखें इस तरह ये घूमेगा, और फेस पे हम अच्छे से इसको मसाज करेंगे। तो ये देखें, ये भी हमने इसी तरह बड़े आराम से आपने उतार लेना है। और इसके बाद आपने फिर से ये ब्रश लगाना है, ये भी हमारे पास एक और ब्रश है, ये लगाएंगे और इससे हम बिल्कुल फेस को वॉश करेंगे पानी लगाकर। इसको भी हल्के हाथों से ऐसे ही अटैच करना है, और अटैच हो जाएगा, और हमने अपने फेस को वॉश कर लेना है।
अब ये आता है, ये हमारे पास स्क्रब, हम स्क्रब करते हैं। कोई भी हमारे पास स्क्रब वगैरह है तो हम वो लगा लें फेस पे, और इसको हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आपने फेस पे स्क्रब करना है। तो वो भी बस 1 या 2 मिनट से ज़्यादा आप नहीं करें, क्योंकि ये हैंड से हम नहीं कर रहे, मशीन से कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है आपने, हल्के हल्के से करना है, ठीक है। पता है ये चीज़ आप सोच रहे होंगे, ये स्पंज ये किस काम आता है हमारे फेशियल के। वैसे भी हम फेशियल करके अपने स्किन को साफ़ करने में भी ये काम आएगा, लेकिन अगर हमारे फेस पे बेस वगैरह लगी होगी तो हम इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। मेकअप जब हम करते हैं तो बेस वगैरह लगाते हैं, तो हम इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये लगाया, रिमूव किया और उतार दिया, और ये वॉशेबल हैं सारे। इस मशीन को आपने वॉश नहीं करना, आपने जस्ट ये ब्रशेज़ उतारने हैं, और यूज़ जब भी आपने यूज़ करना है तो नीम गर्म पानी में, या ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म पानी में हल्के से 2 से 3 डिटॉल के कतरे डालने हैं, तो उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। जी आप ये जैसे कि देख ही रहे होंगे कि 7-in-1 मशीन है ये मेरे पास। तो ये मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मैंने 1 ईयर से इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी है। और याद रहे कि कभी आप इसे कस्टमर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप कस्टमर पे अप्लाई करने के बाद डिटॉल से इसको वॉश करके रखना है, ऐसे नहीं, ठीक है। क्योंकि इस जम्स वगैरह होते हैं, तो आजकल वैसे भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोरोना आ रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जी तो देख ही रहे होंगे, मैंने आपको इसका इस्तेमाल बताया, और ये देख, इसको संभाल के रखने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि आप जब भी इसको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद आप इसका, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसके ये सेल निकाल के रख दें, तो आप जितनी देर चाहें इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब होगी ही नहीं। और ये सेल भी इतने ज़्यादा प्राइस के नहीं आते, बहुत में 10 रुपीज़ में मैक्सिमम आ जाते हैं, और आपके ये 6 टाइम चल जाते हैं, 6-7 टाइम में आप इस सेल को यूज़ कर सकते हो। और देख रही होंगे मैं ये सेल को निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने अब इसको रखना है। तो वो जी, तो अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इसी बात पर अपनी ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।